पंजाब में पुलिस जिस तरह से गैंगस्टरों पर शिकंजा कस रही है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि गैंगस्टर फिर से किसी घटना को अंजाम दे सकते होंगे, लेकिन रिजल्ट इससे उल्टा ही आ रहा है। उल्टा इतना कि पंजाब के गैंगस्टर लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। तो पहली चर्चा इस वीडियो में लखबीर सिंह लांडा के बारे में करेंगे, और दूसरी चर्चा इसी वीडियो में पंजाब के एक और गैंगस्टर की, जिसकी आज कोर्ट में पेशी थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उस गैंगस्टर की पेशी ऐसी की जिसकी वजह से पंजाब पुलिस अब लोगों के निशाने पर आ चुकी है। और तीसरी चर्चा इस वीडियो में इस बात की करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर रंगा को गिरफ्तार किया है, जिसने अब से कुछ महीने पहले पंजाब के मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर RPG अटैक किया था, जिसे इतने दिनों के बाद आखिरकार पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार करके दिखा दिया कि अपराधी कितने भी शातिर हों बच नहीं सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के नाम पर अब पंजाब में व्यापारियों, राजनीतिक लोगों से फिरौती मांगने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लांडा द्वारा पूर्व सरपंच से 1 करोड़ रुपए की फिरौती एक बार फिर से मांगी गई है, और इस मामले में थाना सदर तरन तारण के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरचरण ने कहा है कि पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव बोगा के रहने वाले पूर्व सरपंच, जिनका नाम गुरचरण सिंह बताया जा रहा, उन्हें पुलिस को बताया कि बीते 15 जनवरी को किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल किया। कॉल करने वाले ने अपना नाम कहा कि मैं लखबीर सिंह लांडा बोल रहा हूं, और लांडा ने उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। डर की वजह से उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। 19 जनवरी को दोबारा से मोबाइल फ़ोन पर वही कॉल आती है, और तब कॉल पर लांडा ने दोबारा फिरौती की मांग की। लांडा ने उसे धमकाया कि अगर फिरौती के पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। गुरचरण सिंह ने पुलिस से मांग की है कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। तो लांडा का दहशत एक बार फिर से पंजाब में देखने को मिल रहा है। तो ये पंजाब के बाबा बकाला साहिब में गैंगस्टर कमलजीत सिंह उर्फ विकी, जो कि ब्यास के पास एक ढाबे के पास रोटी खाते समय दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के हत्थे अभी हाल ही में जो एक संयुक्त अभियान चला था उसमें गिरफ्तार हुआ था मुठभेड़ के बाद, जिसके खिलाफ थाना ब्यास में कई मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। इसके बाद बाबा बकाला साहिब में कोर्ट में पेश किया गया था। आज तक का उसका पुलिस रिमांड मिला था पुलिस को, और जब आज रिमांड खत्म हुआ तो आज एक बार फिर से गैंगस्टर विकी को दोबारा पंजाब पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जहां राजविंद्र कौर की कोर्ट ने गैंगस्टर विकी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। लेकिन इस पूरे क्रम में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि गैंगस्टर विकी को जब आज 12 बजे कोर्ट में पेश करना था पंजाब पुलिस की तरफ से, तो ब्यास थाने की पुलिस उसकी पेशी के लिए तैयार किए जाने वाले कागजात जो होते हैं उस समय पर मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गैंगस्टर विकी को 3.5 घंटे की देरी से पुलिस लेकर पहुंचती है, और गैंगस्टर की पेशी पुलिस ने सरकारी गाड़ी में ले जाने के बजाय उसे निजी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का इस्तेमाल किया, जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गैंगस्टर की पेशी के लिए थाना ब्यास की पुलिस द्वारा मीडिया को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये सब उस वक्त हुआ जब अभी हाल ही में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पेशी के वक्त ही कई गैंगस्टरों की हत्या सरेआम कर दी गई है, और ऐसे में गैंगस्टर को प्राइवेट गाड़ी में लाना, मीडिया को सूचना नहीं देना बड़े सवाल खड़े करता है पंजाब पुलिस के ऊपर। खैर, तीसरी खबर पर आते हैं। तो NIA ने आज मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमला करने के मामले में जो मुख्य शूटर था दीपक रंगा, उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मई 2022 में पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि RPG अटैक किया था। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक रंगा कनाडा स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने, लखबीर सिंह उर्फ लांडा और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर संधु उर्फ हरविंदर रिंदा का करीबी बताया जा रहा है, उसे UP के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। RPG हमले के बाद से रंगा लगातार फरार था। NIA ने कहा है कि रंगा सक्रिय रूप से रिंडा और लांडा से आतंकवादी फंड और रसद सहायता प्राप्त कर रहा था। तो ये हरियाणा झज्जर के सूरकपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, उस पर हिंसक हत्याओं समेत कई अन्य हिंसक आतंकवादी और आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो NIA ने 20 सितंबर 2022 में इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। सुरक्षा एजेंसी की जांच में ये बात सामने आई थी कि विदेशों में स्थित आतंकवादी संगठन और
आतंकवादी तत्व लक्षित हत्याओं और हिंसक आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए देश के उत्तरी राज्यों में संचालित संगठित आपराधिक गैंगों के नेताओं और सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल पंजाब में पुलिस और गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई तो कर रही है गैंगस्टरों के ऊपर, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है देखकर इन सब के बाद भी गैंगस्टरों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं होता। तभी तो चाहे वो हरविंदर सिंह रिंदा हो या फिर लांडा हो या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हों, आए दिन वो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो 26 जनवरी से पहले जिस तरह से ये बात भी निकल कर सामने आ रही थी कि पंजाब में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में पंजाब के गैंगस्टर थे, हालांकि इन सब को परे पर रखते हुए, ताक पर रखते हुए पंजाब की पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए इन सभी गैंगस्टर की खतरनाक योजनाओं पर पानी फेर दिया और कई सारे गैंगस्टर इस पूरे मामले में पकड़े गए। लेकिन लांडा का क्या, रिंदा का क्या, या फिर जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जो एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देकर पंजाब पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी करने का दुस्साहस करते हैं, तो फिलहाल देखना अहम होगा कि अब आगे इस पूरे मामले में, चाहे वो लांडा का मामला हो या फिर रंगा का मामला हो या फिर जिस तरह से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी निकलकर जो रंगदारी मांगने की कॉल आई है सरपंच को लेकर, उसको लेकर अब पुलिस आके क्या कुछ कहती है ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन पंजाब में अपराध कंट्रोल की बात जिस तरह से की जाती है, तो क्या वाकई में पंजाब में अपराध जो बेलगाम हो चुका है, क्या उसे लगाम लगाया जा चुका है अपराध पर? ये कहीं ना कहीं एक सवालों का बहुत बड़ा गुलदस्ता है जो अभी भी पंजाब के आबो हवा में घूम रहा है। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि क्या सच में पंजाब में अपराध खत्म हुआ है? तो आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की पुलिस जिस तरह से शिद्दत से पंजाब के अंदर अपराधियों का या फिर अपराध का सफाया करने में जुटी हुई है, उन सब से हटकर देखा जा रहा है कि गैंगस्टर भी उतनी तेजी से कई सारी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या इतना आसान है कि पंजाब के अंदर गैंगस्टरों को रोक पाना, पंजाब के गैंगस्टरों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है इन सब के बाद भी जब वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं? खैर, इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।